नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है सालों बाद जब बेटे को पता चली पत्नी की हकीकत और हुआ अपनी गलती का एहसास, तो उसने क्या किया। उस दिन अचानक आशीष का फोन आया। न जाने कितने समय बाद उसकी आवाज़ कान में पड़ी थी। ये मेरे इकलौते बेटे की आवाज़ थी, उस बेटे की जिसे बनाने में हमने अपना पूरा जीवन ही लगा दिया था। उसको इतना प्यार दिया कि स्वयं को भूल गए, पर समर्थ होते ही उसने हमको ही नकार दिया। न हमारा प्यार देखा, न त्याग। उसे क्या पता उसके दिए जख्मों से सीना कैसे छलनी हो चुका है मेरा। सारी संवेदनाएं अब समाप्त हो चुकी हैं। मुझे कोई खुशी नहीं हुई है उसकी आवाज़ सुनकर, लेकिन यह क्या, अविश्वास से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था, क्योंकि आशीष मुझसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहा था, अपने साथ रहने के लिए मेरी मिन्नतें कर रहा था। ठीक से सुना न मैंने सब कुछ। विश्वास ही नहीं होता कि यह वही आशीष है जिसने पिछले कितने ही सालों में मुझसे ठीक से बातें तक नहीं की है। कभी सोचा क्या कि बेटे का कर्तव्य क्या होता है। बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है, थकी हुई उम्र की ताकत होता है, पर इस कपूत का तो इंतज़ार करते करते इसकी लाचार माँ इस दुनिया से ही विदा हो गई और मैं इतने वर्षों से इस वीराने में अकेले पड़ा मृत्यु का इंतज़ार कर रहा हूँ। पर क्या इसे कभी याद तक आई। चलो कोई बात नहीं, अब तो मैं इन सब के बिना जीने का अभ्यास कर ही चुका हूँ, फिर शिकायत क्यों करूँ। मैं तो उसके व्यवहार के बदलाव पर हैरान हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आजकल वहाँ नौकर न मिल रहे हों तो उसकी मेम साहब ने बुढ़े को ले आने का हुक्म सुना दिया हो, या किसी के सामने अपने सपूत होने का दिखावा करना है। जो भी हो, मैं तुम्हारे इन घड़ियाली आंसुओं से पिघलने वाला तो नहीं हूँ। शरीर थकने लगे या वक्त कोई बड़ी ठोकर मार दे तब भले एक आदमी को ये सब प्रायश्चित वगैरह करने की याद आती है, पर अभी जब धन दौलत मान सम्मान सब कदमों तले बिछा हुआ है, अफसोस करने का समय नहीं आया है। जब तक उसकी माँ ममता जीवित रही, बार बार पुराने गिले सिकवे भूल आशीष और उसके परिवार के साथ संपर्क करती रही, पर सदैव निराशा ही उसके हाथ आई। इसी से तो जब आखिरी बार ममता की मृत्यु पर वे लोग रस्म अदायगी की तरह आए थे, मैंने भी उनके साथ बिल्कुल उसी तरह से रिश्ता रखा था। 13वीं होते ही उनके लौट जाने के कार्यक्रम से मुझे सुकून ही महसूस हुआ था कि न जाने कितनी अप्रिय परिस्थितियों से बच गया मैं, कि अगर जो वो रुकता तो न जाने कितने दंश और लगा जाता वह दिल पर। भगवान की कृपा से 75 वर्ष की उम्र में भी मेरे हाथ पैर इतने सलामत है। आर्थिक स्थिति इतनी तो मजबूत है ही कि अपनी ममता को रीति रिवाजों के अनुसार शान से इस दुनिया से विदा कर सका। बाकी सभी जिम्मेदारियों को तो वही पूरा कर गई थी। दोनों बेटियां ब्याह के बाद अपने अपने घरों में सुखी संपन्न है। मेरे जीवन यापन के लिए छोटा सा मकान है जिसकी पहली मंजिल मैंने किराए पर उठा रखी है। नीचे स्वयं रहता हूँ और एक पुराने नौकर की सहायता से मेरे सारे दैनिक काम मजे से चल रहे हैं। अब तो बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। इस उम्र में आकर सबसे बड़ी तकलीफ अकेलेपन की हो जाती है। ममता के जाने के बाद ही पता चला कि उसका मेरे जीवन में क्या स्थान था। अब न तो किसी तरह समय ही कटता है और न किसी चीज़ के लिए उत्साह ही बचा है। सुबह शाम भले ही थोड़े सैर व्यायाम के लिए घर से बाहर निकल जाऊँ, पर बाकी समय तो घर में ही पड़ा रहता हूँ। शरीर स्वस्थ है पर अब नौकरी व्यवसाय करने की कोई इच्छा नहीं है। क्यों करूं, किसके लिए कमाऊं। ममता थी तो कभी बेटियों के घर कुछ भेजने को, कभी घर गृहस्थी तो कभी अतिथि सत्कार के लिए उसे पैसों की ज़रूरत पड़ती रहती थी। पर उसके बाद तो मैंने किसी को बुलाने या कहीं आने जाने का रिश्ता रखा ही नहीं, मानो सबसे वैराग्य ही ले लिया हो। बेटियां ही कभी कभार आ जाती थी, पर जैसे जैसे उनके बच्चे बड़े हो रहे थे उनका आना जाना घटकर फ़ोन तक सीमित होता जा रहा था। कभी तबीयत कुछ ढीली हो गई तो नौकर के फ़ोन पर डॉक्टर सिन्हा आ जाते हैं। बस वही सुबह और वैसी ही शामें, कोई व्यतिक्रम नहीं। पहले कुछ पढ़ लिख कर समय काटता था, पर अब तो पास की नज़र ज़्यादा ही कमज़ोर हो गई है। टेलीविज़न मोबाइल से ज़्यादा अपने पुराने समय, अपनी ममता को, उसके भोलेपन और सेवा भाव को, जिस पर उसके जीवन काल में कभी ध्यान तक नहीं गया था, याद करते करते आंखें अनायास ही भर आती हैं। मेरी इस एक रस दिनचर्या को तोड़ते हुए अचानक एक दिन आशीष स्वयं आ धमका। इस बार मुझे एक अनजाना सा डर महसूस हुआ था कि क्यों आया है यह,
क्या करेगा मुझे साथ ले जाकर। इसकी बातों में आकर किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ने वाला हूँ मैं। जो कभी मुझसे ठीक से बातें तक नहीं करता था, वो आज इतनी अनुनय विनय क्यों कर रहा है? क्या गुजरा है इस बीच इन लोगों के साथ? जरूर कोई स्वार्थ होगा। ये मकान चाहिए? इतने छोटे से मकान पर भी नज़र गड़ी है इसकी? इसका काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, तब भी क्या पैसों की लालच इतनी बढ़ गई है? ऐसे संस्कार तो नहीं थे। कहीं यह तो नहीं सोच रहा कि लड़ झगड़ कर काम नहीं चलेगा तो जहर की गोली को चाशनी में लपेट कर लाया है? किसी मुगालते में मत रहना बच्चू। तुम चालाक हो तो मैं भी तुम्हारा बाप हूँ। इस संपत्ति के लिए तुमको मेरे मरने का इंतज़ार करना ही होगा। मैं तुम्हारी किसी बात में नहीं आने वाला, सुनूंगा तक नहीं। क्यों तुम्हारी दया पर निर्भर रहने के लिए तुम्हारे घर जाऊँ? आत्मसम्मान के साथ जीने के इस आखिरी अवलंब को क्यों छोड़ दूँ मैं? एक अनजाना भविष्य डरा रहा था, कहीं आशीष के समक्ष कमज़ोर न पड़ जाऊँ मैं, किसी साजिश का शिकार न हो जाऊँ। मैं अपने बेटे पर विश्वास करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, अतः इतना क्रूर हो उठा कि उसकी उपस्थिति को ही नकारना शुरू कर दिया मैंने। न उसकी कोई बात सुनी, न उन आँखों में गहराती बेबसी ही पिघला सकी मुझे। चैन की सांस तो तभी ली थी जब वह निराश होकर लौट गया था। अगले दिन आशीष के कमरे से मुझे अपने नाम की एक चिट्ठी मिली। पसोपेश में पड़ गया कि अब इसका क्या करूं? जब कोई संबंध ही नहीं रखना तो क्या इसे फाड़कर फेंक दूं? पर एक बार पढ़ने से भी क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ उत्सुकता तो मिटेगी कि आखिर कहने क्या आया था वह। आगे तो सब कुछ मेरी मर्जी से ही होगा, है ना? जवाब तक नहीं दूंगा, चाहे कैसी भी मजबूरी बताए, बीमारी या पोते तक का हवाला दे दे, मैं कमज़ोर नहीं पड़ूंगा कि मेरी किस ज़रूरत में तुम मेरे काम आए हो। आशीष, मुझे ममता समझने की भूल मत करना कि जरा प्यार से बोल दिया तो बस पिघल गई, और फिर तो चाहे सारा दिन खटा ही लो, वह मुस्कुराती रहेगी। तुम्हारी बीबी सज धज कर फूलों की सेज पर बैठी रहती थी और बूढ़ी माँ दौड़ दौड़ कर घर के काम निपटाती थी। यह सब तुम्हें कभी नज़र क्यों नहीं आया आशीष? इसलिए ना कि तुम्हारी नज़रों में अपने माता पिता के लिए कोई सम्मान ही नहीं बचा था। सास बहू के झगड़े साधारण तौर पर तब तक तुल नहीं पकड़ते हैं जब तक घर के मर्द उसमें नहीं पड़ते, पर अपनी पत्नी की बिल्कुल गलत बातों तक के पक्ष में खड़े होकर माँ बाप से जवाब तलब करने के संस्कार तुम में कहाँ से आ गए? तुम्हें पालने में कहाँ गलती हो गई हमसे? कितनी आशाएं लगाई थी हमने तुमसे, पर तुमने सदैव मेरे उत्साह पर पानी ही फेरा और तुम्हारा इंतज़ार करते करते पूरी उम्र ही बीत गई। अब तो मैं अकेला इस कमरे में पड़ा तुम लोगों का बचपन याद करते रहने को अभिशप्त हूँ। जब तुम पैदा हुए थे सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई थी। जब तुम्हारे स्कूल का पहला दिन था, अदम्य उत्साह से तुम्हें मैं अपनी गोदी में उठाकर स्कूल तक ले गया था। तुम्हारे सुरक्षित और उज्जवल भविष्य के लिए तन मन धन लगाने की होड़ में हम पति पत्नी अपनी ज़रूरतों में कटौती करते गए थे, पर बदले में हमें क्या मिला? किशोर होते ही तुम्हारे वो बगावती तेवर और फिर हमारे मध्य फलता फूलता वो परायेपन का विशाल बिच्छ, 17 वर्षों तक लगातार तुम्हारे बिछुए में तड़पती ममता के वो आंसू, तुम लोगों की वो जली कटी बातें, दिल तोड़ती एहसान फरामोशी कैसे भूल सकता हूँ? आखिर तिल तिल कर जोड़े गए मेरे इस आत्मसम्मान के भ्रम को अब क्या ये 2 मिनट के अफसोस धो सकेंगे, 2 आंसू धो देंगे, या ये चिट्ठी मिटा सकेगी? नहीं, अब सब कुछ समाप्त हो चुका है। तुम जहाँ रहो खुश रहो, मैं भी जिस हाल में हूँ खुश रहूँगा। पत्र का जवाब डाक से भेज दूँगा कि अब भूल जाओ कि हमारे बीच रिश्ता भी था कभी। चिट्ठी पढ़ने के लिए चश्मा खोजते समय ही उसका उत्तर सोच लिया था मैंने। पूज्य पिताजी, आपको याद होगा आज मेरा 47वां जन्मदिन है। पता नहीं क्यों उम्र के इस दौर में आकर महसूस कर रहा हूँ कि जैसे मैं वहीं आकर खड़ा हो गया हूँ जहाँ होश संभालने पर आपको देखा करता था। वह पुरातन समस्याएं जो आपके समक्ष थी थोड़े बहुत परिवर्तित रूप में मेरे सामने भी खड़ी हुई हैं, और आश्चर्य तो इस बात का है कि इतने सालों तक आपके लिए सभी निर्णयों को गलत ठहराने के बावजूद आज के दिन आपका अनुसरण करने के अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। यद्यपि जानता हूँ कि आप नाराज़ हैं मुझसे, फिर भी अंतर की ये बहुत सारी बातें आज आपको बताने की बेचैनी है मुझ में। मेरी सोच और आस्थाओं ने चुपके से एक नई करवट ले ली है, और ये सब मैं केवल आपसे ही कह सकता हूँ। शायद आपके प्रति अपने दृष्टिकोण की स्वीकार योग्यता के बिना शांति नहीं मिलेगी मुझको।
इसलिए आपके मना करने के बाद भी मैं आपके पास आया था, और जब तक आप मेरी बातों को सुन नहीं लेंगे फिर करके आता ही रहूँगा। इतिहास स्वयं को दोहराता है, पहले सुना था पर अब स्पष्ट देख रहा हूँ। आपका पोता उत्कर्ष 18 वर्ष का हो गया है और उसके तेवर बिल्कुल वही हैं जो उन दिनों मेरे हुआ करते थे। पर अचंभित तो मैं इस बात से हूँ पिताजी कि आज मैं बिल्कुल वैसे ही सोच रहा हूँ जैसे उन दिनों आप सोचा करते थे। पसोपेश में हूँ कि जिम्मेदारियाँ आने के बाद हर कोई ऐसे ही निर्णय लेने लगता है क्या। इसलिए जीवन भर मैंने आपके साथ जो व्यवहार किया है आज उसका विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी हो गया है। जब मैं काफ़ी छोटा था आप मेरे साथ खिलौनों की तरह खेला करते थे, तब मैं अपनी बाल सुलभ शरारतों और उल्टी सीधी जिदों के बावजूद आपको दुनिया का सबसे ज़्यादा समर्थ और बुद्धिमान आदमी समझता था। उस समय मेरी सबसे बड़ी चाहत सिर्फ आपके जैसा बन जाने की थी। फिर जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा आपकी कुछ कमियां और सीमाएं भी मेरी नज़र में आने लगी। अब मैं अपने दोस्तों के पिता रिश्तेदारों इत्यादि से आपकी तुलना किया करता था। आप उनसे बेहतर नज़र आते तो गर्व होता मुझे, पर यदि आपकी कोई बात उनसे कमतर होती तो मेरा बाल मन कुछ परेशान सा हो जाता था। यूँ छोटी मोटी कुछ उलझनों को छोड़कर आप और सिर्फ आप ही मेरे नायक थे। फिर ढेर सारे दोस्त हो गए, मेरे दिन का एक बड़ा हिस्सा उन्हीं के साथ बीतने लगा और उन्हीं की बातें मुझे ज़्यादा समझ में आने लगी। तभी तो स्कूल की पढ़ाई के बाद जब मनपसंद विषय चुनने का समय आया, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र कॉमर्स कॉलेज जा रहा था मैंने भी वही चुना। मैं किसी भी हालत में उसका साथ छोड़कर साइंस कॉलेज में नहीं जाना चाहता था, पर यह तो मेरे पूरे जीवन के दिशा निर्धारण का समय था। न निर्णय लेने की यह बचकानी वजह मेरे लिए भले ही महत्वपूर्ण रही हो, आपको मूर्खतापूर्ण लगती थी। आपने तो कितना ही समझाया था कि मेरा दिमाग तेज है, कि विज्ञान एवं गणित में मुझे कितने अच्छे अंक मिले हैं, और डॉक्टर या इंजीनियर बनने के बाद करियर बनाना कितना आसान हो जाता है, पर इस तरह की कोई बात उस समय मेरी समझ में आई ही नहीं। मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा था जिससे आपको काफ़ी निराशा भी हुई थी। पर मज़े की बात देखिए, बिल्कुल वही परिस्थितियाँ फिर हैं। बस इस बार आप वाले स्थान पर मैं आ खड़ा हुआ हूँ और उत्कर्ष के भविष्य के लिए उसी तरह परेशान हूँ। अथक मेहनत करके मैंने जो अपना यह व्यवसाय स्थापित किया है, नाम और इज्जत कमाई है, उसे उत्कर्ष ने एक बार की नकार कर मेरी फर्म में पार्टनर बनने के लिए उसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी की परीक्षाओं को पास करना ज़रूरी है, पर वह तो फैशन टेक्नोलॉजी का कोर्स करने के लिए मुंबई जाने की जिद कर रहा है, मॉडलिंग एजेंसी खोलना चाहता है, सिनेमा में ब्रेक खोज रहा है। उत्कर्ष को अपना सहारा बनाने का स्वप्न लिए मैं अपने काम को बढ़ाता ही चला गया था, पर यदि वह मेरे साथ नहीं आता है तो अब क्या करना चाहिए मुझे? धीरे धीरे काम कम करूं या किसी और को भागीदार बनाऊं? फिर यदि किसी दिन वह ग्लैमर की दुनिया से असफल होकर लौट आता है तो मैं उसकी कितनी मदद कर सकूंगा? कैसे नहीं सोचूं यह सब, आखिर पिता हूं उसका, उसको सेटल कराने की जिम्मेदारी है मुझ पर। हर संभव सुख वैभव सफलता संपन्नता और सुविधा उसके कदमों में बिछा देने की मेरी ये चाह है, कोई अजूबा तो नहीं? उस पहाड़ जैसे संघर्ष के लिए कैसे उसे अकेला छोड़ दूं? क्या मुझे पता नहीं है उस चमक दमक की असलियत, कितने ही अस्तित्वों के गुमनाम बलिदान के पश्चात जो मुट्ठी भर लोग सफल होते हैं, उत्कर्ष बस उन्हीं में से एक होगा। कैसे मान लूं? उधर वह मेरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है, और मैं हूं कि चिंता के मारे रात रात भर जागता रहता हूं। ब्लड प्रेशर बढ़ गया है और न जाने कितनी बीमारियां एक साथ उभर आई हैं। मुझे याद है कि उसके बाद मेरे और आपके बीच की दूरियां बढ़ने लगी थी। मैं आपकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देने का आदि होता जा रहा था, और मेरे रुख से आप मेरे प्रति निराश से होने लगे थे। फिर हम दोनों के बीच माँ ने एक पुल का काम करना शुरू किया कि इस कसमकस में धीरे धीरे उसकी अपनी राय और इच्छाओं का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। उसने तो बस मेरे और आपके समक्ष एक दूसरे का पक्ष रख स्थिति को काबू करने की कोशिश में ही जिंदगी बिता दी। कहीं अब मेरे और उत्कर्ष के बीच में भी यही स्थिति तो नहीं आने वाली है पिताजी? मुझे डर सा लग रहा है, पर मैं नहीं जानता कि इस हालत में अब मुझे क्या करना चाहिए। जब हम बाप बेटे के बीच में पिछले कितने ही दिनों से बातचीत तक बंद है, क्या मुझे उसकी इस बेबुनियादी जिद को मानकर उसे उसके हिस्से का संघर्ष करने की इजाज़त दे देनी चाहिए,
या उस पर दबाव बनाकर उसे अपना निर्णय मानने को बाध्य करना सही कदम होगा। फिर आप एक दिन बड़े चाव से मेरा ब्याह रचाने के लिए सुलेखा को पसंद कर आए थे, जबकि मैं मन ही मन अपने दोस्त विनय की बहन कावेरी को अपनाने के लिए लालायित था। मुझे लगता था कि अगर आप प्रचलित रिवाजों के अनुसार मेरा रिश्ता लेकर उनके घर गए होते, स्वस्थ माहौल में बातचीत हुई होती तो बात बन जाती, पर आप अपनी जीत में इस तरह का कोई काम करने को तैयार ही नहीं हुए थे और बिना देखे जाने ही आपने उसे एकदम से नकार दिया था। फिर मैं मूर्खों की तरह कभी उसके सामने प्रणय निवेदन तो कभी उसके पिताजी की नज़रों में समाने के बचकाने प्रयास करता रहा, पर कभी भी अपने पक्ष को उन लोगों के समक्ष ठीक से नहीं रख सका और उसका ब्याह कहीं और हो गया। लोग लाज में मैंने सुलेखा से शादी भले ही कर ली हो, पर आपके प्रति एक शिकायत तो मन में बनी ही रह गई। समय ने अब मुझे आपके वाले पाले में लाकर खड़ा कर दिया है, बल्कि कहूँ तो समय और भी ज़्यादा बदल गया है कि उत्कर्ष के तेवर और स्वभाव को देखते हुए मैं मानसिक रूप से किसी भी दिन अचानक कैसी भी लड़की से अपनी बहू के रूप में परिचित होने को तैयार हूँ। पर सच कहूँ पिताजी, पिछले कुछ सालों से मेरे अंदर अपने समस्त अनुभवों की कसौटी पर कस कर लाखों में एक चुनकर हीरे की कनी सी खूबसूरत पढ़ी लिखी और मेधावी बहू लाने की बड़ी तमन्ना होने लगी है, जिसके छम छम कर चलने से मेरा आंगन भर जाए और मुस्कुराने से घर खिलखिला उठे, जो बुढ़ापे में हम पति पत्नी को आदर मान दे, उत्कर्ष को जीवन भर खुश रखे और हमारी अगली पीढ़ी को सजाए संवारे। आखिर उत्कर्ष हमारा इकलौता बेटा है तो हमारी हर चाह उसे ही तो पूरी करनी है। शरीर से कसी आधुनिक कपड़ों में फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है जो लड़कियाँ दिन भर उत्कर्ष के साथ घूमती फिरती हैं, मैं इनको पता नहीं क्यों बहुत पसंद नहीं कर पाता हूँ। अपने अधिकारों के लिए सदैव सजग तीखे स्वरों वाली कुछ हद तक स्वार्थी ये लड़कियाँ कर्तव्य त्याग और सहनशीलता की महत्ता भी समझती होंगी, इसमें मुझे शक है। पर यह कुछ एक घर को जीवन भर बात कर रखने के लिए, परिवार को बनाए रखने के लिए तो ज़रूरी होता है ना। विवाह हो जाने पर इनके यह तेवर बदल जाएंगे या शुरुआती आकर्षण समाप्त होने पर रोज के लड़ाई झगड़े जीवन की नियति बन जाएगी। ऐसी ही किसी लड़की के घर जाकर अपने ब्याह की बात चलाने का अनुरोध उत्कर्ष यदि मुझसे करे तो मुझे क्या करना होगा पिताजी? आपकी तरह अपने ही निर्णय पर दृढ़ रहना होगा या उत्कर्ष की हाँ में हाँ मिलानी होगी। फिर सुलेखा के घर में आते ही मेरे और आपके बीच की दूरी एकाएक ही और बढ़ गई थी। इसका पहला कारण था मेरी शादी में सुलेखा के यहाँ से दहेज में आया वह सामान, वह कहा सुनी, कपड़ों, गहनों और सामानों के स्तर को लेकर घर में होने वाली वह शिकायतें, उलाहने। नई नई शादी हुई थी, घर में रिश्तेदारों परिचितों का आना जाना लगा ही रहता था, हर तरह की बातें होती थी जिन्हें सुलेखा भी सुनती। अपने मायके के विषय में हुई हर नुक्ताचीनी उसके दिल पर चोट करती, और फिर दुखड़ा सुनाने को तो उसे सिर्फ मैं ही मिला करता था न। मेरे अंदर उम्र जनित आदर्शवाद था, दहेज के मैं खिलाफ था, और फिर दहेज के लिए बहू को उत्पीड़ित किया जाना। मुझे लगने लगा कि आप लोग काफ़ी लालची हैं, मैं तो बिना किसी अपराध के ही अपनी उस सुंदर पत्नी के सामने बौना पड़ता जा रहा था, जो प्रथम मिलने के बाद से ही मुझे सबसे ज़्यादा अपनी सी लगने लगी थी। शायद प्रकृति ने ही ऐसी व्यवस्था की है, इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ। आप मुझे जोरू का गुलाम कहते थे, पर बताइए, जब मेरा अंतर्मन आपको लालची और मौका परस्त पर सुलेखा को आपकी सताई हुई भोली भाली लड़की समझता हो तो आवश्यकता पड़ने पर मैं किसके पक्ष में बोलता? फिर आपने मेरे दहेज में आई हुई राशि से बहनों की शादी के लिए कर चुका दिए, इससे तो सुलेखा को शिकायत होनी ही थी। मैं यह भूल गया कि भाई होने के नाते बहनों के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी थी, और यदि समाज के अंदर इतनी गहरी बैठी हुई इन कुरीतियों को अकेले तोड़ पाना मेरे बस में नहीं था तो आपको उसके लिए जिम्मेदार ठहराने का भी मुझे कोई हक नहीं बनता। मैं खुलेआम सुलेखा का पक्ष लेकर आपसे और माँ से जवाब तलवी करने लगा। अब लगता है मेरे उस आक्रोश को समर्थन समझने के कारण ही सुलेखा ने कभी आप लोगों को समझने की, आपका मान सम्मान करने की कोशिश तक नहीं की। और फिर जैसे जैसे मेरा व्यवसाय अच्छा चलने लगा, धन दौलत की ताकत उसके हाथों में बढ़ने लगी, आप लोग उसे और भी तुच्छ और नगण्य दिखाई देने लगे। क्या इन सारी वस्तु स्थिति के मूल में सिर्फ मैं ही दोषी था? अपने प्रति आकर्षण को सुलेखा ने मेरी मजबूरी समझ लिया था, या अपने मन की बातों को वह मेरे सम्मुख किस तरह रखना सीख गई थी?
कि मैं अपना सारा आदर्शवाद लिए उसी के पक्ष में जा झुकता। क्या मैं उसकी कठपुतली बन गया था जिसे वह नचा रही थी? जो भी हो, अब अगर यह निर्णय हो भी जाए कि कौन दोषी था तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उस समय तो बिगड़ते हुए रिश्तों और बढ़ती हुई कटुता से बच भागने के लिए एक शांत सहज जिंदगी की तलाश में मैंने शहर बदल लेने का निर्णय ले लिया था। अभी तक तो मुझे न किसी तरह की गलती का एहसास था न अफसोस। हर पिछली घटना के लिए आपको जिम्मेदार ठहराकर मैं निश्चिंत भी था। शायद यह कुछ मुझे कभी याद भी न आता। कुछ खुशी कुछ गम बांटती जिंदगी जैसे बीत रही थी, बीत ही जाती। अगर उस दिन अचानक बगल वाले कमरे से बहुत दिनों बाद आपस में मिली सुलेखा और उसकी बहन की वह बातें सुनाई ना दे गई होती। अनायास ही तो उसकी दीदी ने कहा था कि तेरी बेटी आस्था बड़ी हो रही है, उसका दहेज इकट्ठा करना शुरू कर दे सुलेखा, वरना तो तेरी जैसी खर्चीली आदतें हैं, समय पर दिक्कत होने लगेगी। इस पर सुलेखा का जवाब सुनकर मैं बहुत चक्का रह गया था। वह कह रही थी कि हमें तो पहले उत्कर्ष की शादी करनी है और उसकी शादी में जो कुछ भी आएगा वही देकर मैं आस्था को विदा कर दूंगी। इस बात पर दीदी हंस पड़ी थी और मजाक करते हुए बोली कि लगता है बेटे की शादी में बहुत ढेर सारा दहेज लेने की तैयारी में है तू। और सुलेखा ने उल्टे मुँह जवाब दिया था, इतना सुंदर और योग्य लड़का है, लूंगी नहीं, 1 करोड़ से कम पर तो बात भी नहीं करूंगी और हर चीज ठोक बजा कर लूंगी। मैं भयंकर पसोपेश में पड़ा हुआ हूँ पिताजी, कि अगर यही सब सही है, मेरे घर में भी यही होने वाला है और शायद मैं स्वयं भी यही कुछ करने वाला हूँ, तो फिर आप गलत कैसे थे? जीवन भर आप लोगों की आलोचना करने के बाद आज अपना समय आने पर सुलेखा यदि वही सब करने को कमर कसे बैठी है तो फिर किस लिए मैं आपसे जीवन भर नाराज रहा? जिस लिए आपको मैं सजा देता रहा हूँ उन्हीं गलतियों को स्वयं भी दोहराऊंगा, तो क्या इसके बाद उत्कर्ष मेरे जीवन भर मुझे उसकी सजा देता रहेगा? पीढ़ी दर पीढ़ी हम बस एक गुस्सा एक नाराजगी की विरासत छोड़ते रहेंगे। क्या सुधारी नहीं जा सकती है यह स्थिति? तो शुरुआत मैं ही क्यों ना करूं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बीती सारी बातों को भूलकर आपके अनुभवों तले मैं अपनी सारी समस्याओं का कोई नया समाधान खोजने का प्रयत्न करूं? बस यही पूछने मैं आपके पास आया था। और जिस दिन भी आप मुझे माफ़ करने का निर्णय लेंगे दोबारा आ जाऊँगा। आपका बेटा आशीष। पत्र मेरे हाथों में फड़फड़ा रहा है और मैंने कुर्सी पर सिर टिकाकर आंखें मूंद ली है। ठीक ही तो लिखा है आशीष ने, मैंने भी तो कम गलतियां नहीं की है। अपना हर निर्णय उसके ऊपर थोपने का प्रयत्न भला क्यों करता रहा मैं? यदि वह अपना अस्तित्व स्वयं तलाशना चाहता था तो इसमें गलत क्या है? मैं ही तो उसे बच्चा समझता रहा और जाने अनजाने उसकी स्वतंत्रता छीनता रहा। बल्कि आज तो ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत अच्छा हुआ जो उसने कुछ जिदें कर ली थी। जो भी हो, मेरे हर निर्णय के पीछे छिपी मेरी सदिच्छा आज आशीष की समझ में आ गई है। इस बात से सीने को ठंडक मिल रही थी। आज जब उसे मेरी ज़रूरत है तो मुझे भी तो उसकी ज़रूरत है। भला कब तक मैं यहाँ पर अकेला पड़ा रहूँगा? अगर उसने मेरी तरफ कुछ कदम बढ़ाए हैं तो मुझे भी उसकी तरफ कुछ कदम बढ़ाकर उसके हाथ पकड़ने होंगे। यही सोचकर वह एक पत्र लिखने के लिए कागज़ और पेन लेकर अपने और आशीष के रिश्ते को एक और मौका देकर उसका हाथ पकड़ने की तैयारी में जुट गए। यह कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।